तो नमक पारे यहाँ पे बनने शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे लिए अंकल क्या कितना रहेगा? ये है छोटा घर का 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन 2 चम्मच और मैदा कितना रहा? 2 किलो। 2 किलो आपका मैदा और 2 चम्मच आपका अजवाइन। घर का 3 चम्मच छोटा वाला, 3 चम्मच छोटे वाले आपके नमक। घर का सॉरी होली का टाइम है तो भाई नमक पारे मट्ठी गुजिया पकौड़े सबकी रेसिपी आ रही है धीरे धीरे। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना अंकल जी के लिए जरूर कर देना। तो यहाँ पे हो गया, इसे हम लगाएंगे 400 ग्राम घी लगाएंगे। 400 ग्राम घी ठीक है। तेल पानी दोनों घी सब। तेल पानी घी सब आपका धीरे धीरे बताएंगे, टेंशन मत लो। अंकल जी पहले लेने जा रहे हैं घी। तो अंकल जी ने तेल घी हो गया आपका आधा किलो घी आधा किलो आधा किलो आपका ये हो गया घी ठीक है। और अंकल जी ने गरम और ठंडा घी मिक्स करके नॉर्मल कर दिया, उसको गुनगुना टाइप का कर दिया वो डाला है। और पानी 1 किलो में पानी लगाया, 2 किलो में आपका 1 किलो अराउंड पानी जाएगा। अब इसको मिलाएंगे मिक्स करेंगे, कब जरूरत पड़ेगी पानी लगाएंगे ठीक है। अंकल कह रहे जब जरूरत पड़ेगी तब पानी और डालेंगे। और पानी ना आप अंकल जी ने अगर आपको 1 किलो बोला तो ये नहीं कि आपने तोल के पूरा 1 किलो ही डाल दिया, ऐसा नहीं होता, वो मतलब एक अंदाजा होता है। आप कम कम डालिएगा और जब बनाएंगे बनाने के बाद लगेगा जरूरत है तब इसे ऐड करिएगा। अब जरूरत पानी है हाँ। बस ऐसे हल्का हल्का थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी अंकल जी मुलायम रहेगा कि टाइट? टाइट रहता ही है नमक पारे इसका, इसका भी नमक पारे का भी टाइट रहता है। जो भी चीज कड़क होती है ना करारीपन की होती है जिसके ऊपर से करारा सा ज्यादा रहता है खाने में उसका डो टाइट ही रहता है ना अंकल? हाँ जी हाँ। बस इस तरीके से आपने फिर बनाने अब ये बाकी भी बनाएंगे, इतना आपको बना के दिखा रहे ठीक है। ये देख लो जैसे समोसे का डो रहता है ना टाइट, बस इतना आपने टाइट रखना है और फिर आपने इसको ऐसे बना के पन्नी में रख देना है। और जब बनाना शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा निकाल के बनाते रहना और बाकी का जो बचा हुआ रहेगा वो पन्नी में ही डाल के रखना। अदरवाइज जब इसमें पंखा का हवा लग जाएगा तो ये पपड़ी सी बन जाएगी ऊपर से, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसे पन्नी के अंदर रखते हैं और जब बनाने का टाइम आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अंकल को ये बाकी बचा हुआ अभी डो लगाने देते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो नमक पारे जो रखे थे हमने इसके अंदर ठीक है, जो कि इन्हें टाइट हो गए ये। अब इस तरीके से मल के आपने तो मुलायम करना पड़ता है, थोड़ा सा मुलायम करना है इसको मल मल के। हर कोई ऐसी रेसिपी नहीं सिखाता, तो प्लीज़ यार चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो देख लो भाई आपने इतना पतला बेलना है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख लो ठीक है इतना रहेगा, मतलब ऐसे आपने चाकू से शेप देनी है इसकी। और बस इस तरीके से आपने साइड से करना है। बस और इस तरीके से आपने ऐसे निकाल देना है। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इसे पकाते हैं। तो भाई अब यहाँ पे नमक पारे बनने शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे मोटा भैया दोबारा आ गया बताने के लिए। इसका क्या कहते हैं तेल फुल गरम होना चाहिए, फुल गरम हाँ जी, ताकि इसमें फुलावट आए ठीक है। हाँ जी फूलेगा तभी टेस्टी लगेगा ठीक है, करारा लगेगा लकड़ी की तरह खाने में ठीक हाँ। है तो ये अब इसका मतलब जो ऑयल रहने वाला है फुल तेज गरम रहने हाँ वाला जी, जैसे भटूरे के लिए करते हैं। हाँ जी ये भटूरे से कम रहेगा। अच्छा हाँ जी इतना भी तेज नहीं रहेगा ताकि डालते लाल हो जाए। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि फूले, ये फुलावट आनी चाहिए इसके अंदर ठीक है। अभी फुल हाई नहीं, हाई से हल्का सा कम देखो चेक करने के लिए डालो में। अभी चेक कर रहे हैं अभी तेल ठंडा है, अभी ठंडा है हाँ जी, पहचान इसकी जो है तेल चेक करा मैंने अभी तेल ठीक है ठीक है। और जब गर्म होगा तो कैसे पता चलेगा डालते ही? हाँ ऐसे हो जाएगा जैसे अब आ रहा है ना इसमें वाला ठीक है तुरंत ही आ जाएगा ठीक है। तो अभी तेल हुआ नहीं है गर्म, अभी भैया गर्म का वेट कर रहे हैं, दोबारा चेक करेंगे इसके बाद
डालना चालू करो, तेल हो गया। हो गया भैया, चलिए। और घर पे उस ज्यादा से डालना है, उसका तेल ऊपर आएगा। ठीक है। हाँ जी, ये तो हम डेली बनाते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन घर पे कभी कभार बनाते हैं इसका। उछाल ऊपर रखो, आएगा तेल। ऐसे तो लगानी जरूरी है, करछी नीचे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा ये। नहीं, चिपकने की बात नहीं, तेल ऊपर आएगा इसका। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखो तेल ऊपर आएगा, तेल मतलब कढ़ाई से गिरने के चांस है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो ऐसे आता है। हाँ, तो इसलिए करछी नीचे डाल के रखनी है, ये देख लो। और इसीलिए बता रहा मैं, ताकि किसी को नहीं होता पता। देखो ऐसे आ रहा है, ये देख लो। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं हो, डाल दिया तेल बाहर आ गया, कढ़ाई से जल जाए, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हमारे पास तो है। मोड़ा भैया कितना टाइम ले लेंगे? ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 मिनट। गैस तेज होता है ना, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मोड़ा भैया इसमें कड़ची चलाते रहना, एक जैसा रहेगा जी। ठीक है, लाल पीला हो जाएगा। कड़ची आपने इसमें चलाते रहना, ठीक है जी। तो 4-5 मिनट अभी से और लगेगा। हाँ जी, फिर आपके पकने के बाद ही दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, बस इसे चलिए पकने देते हैं। हाँ जी, चलाते रहना इसको। चलाते रहना, और जब ये हो जाएगा तब आपको इसका फाइनल शक्ल दिखाते हैं। तो भाई ये हमारा बनके डन हो चुका है इस तरीके का। जब ये आपका हो जाएगा, ये कलर होना चाहिए। तो ये थी आज की रेसिपी। आपको होली की पहले से ही शुभकामनाएं। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।